हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री जलेबी व्लॉग्स। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना सिखाऊंगा और इसके साथ ही मैं आपको पूरी की पूरी पीरियाडिक टेबल भी याद कराऊंगा। चलें, लेट्स गो। ये हमारे पास है एस ब्लॉक। ये हमारे पास है बी ब्लॉक। ये हमारे पास है डी ब्लॉक। एस ब्लॉक में ये ग्रुप वन है, ये ग्रुप टू। ग्रुप वन और ग्रुप टू को जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर हम लोग निकालेंगे ट्रैक की मदद से। आपको कुछ नंबर याद करना होगा, इसकी हेल्प से हम इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। देखें, ये हमारे पास एस ब्लॉक। ये ट्रैक्स आपको बता रहा हूँ, ये आपको ज़बानी याद करने होंगे। इसकी मदद से आप पूरी पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को जब लिखेंगे तो एस ब्लॉक से हम टू को रिमूव कर देंगे। 8, 8, 18, 18, 32, 32। उसके बाद हमारे पास है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हम जो ब्लॉक पी है इसमें से हम 8 को रिमूव कर देंगे, बाकी जो इनसे बचेंगे उनको लिख देना है। 18, 18, 32, 32। देखें, एस ब्लॉक में हमें क्या लिखा है, ये 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये ग्रुप वन का, यानी पहले पहले इसका आया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। पहले इसके बगल में ये लिख दें जो एस ब्लॉक के हमने डिजिट लिखे हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब हमें नेक्स्ट लिथियम का, यानी नेक्स्ट जो एलिमेंट है हाइड्रोजन का, ठीक है, हमें उसका एटॉमिक नंबर का हमें पता नहीं है। पहले हम इसको एटॉमिक नंबर, यानी हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1, और इस 1 को इस 2 से हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो हमारे नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है उसका, यानी एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ठीक है। 1 जमा 2 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब 3 जमा 8 ये कितना हो जाएगा, 11। यानी सोडियम की कितना है एटॉमिक नंबर, कितना है, 11 है। 11 जमा 8 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 19। 19 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 37। अब 37 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 55। 55 जमा 32 हमारे पास आ जाएगा 87। पहले इसको याद करने का जी मेथड क्या है, हलीना का रिबन किसने फरा, हलीना का रिबन किसने फारा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बेरिलियम। इसका यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो बेरिलियम का कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। उसके आगे सेम सामने खड़ा है, ठीक है। अब सेम कंडीशन है, 8 जमा 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। मैग्नीशियम का क्या है एटॉमिक नंबर, 12। 12 जमा 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। अब 20 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 38। 38 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 56। 56 जमा 32 हमारे पास आ जाएगा 88। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने डिटरमाइन कर लिया। अब हम करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ठीक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं, इनके डिजिट लिख देने पहले। 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2।
दो जमा आठ कितना हो जाएगा, आठ दस, दस जमा आठ एटीन, एटीन जमा एटीन हमारे पास आ गया 36, 36 जमा एटीन हमारे पास आ जाएगा 54, 54 जमा 32 86। अब इसको याद कैसे करेंगे, हाय नानी आराम कर जिंदा रहोगी, हाय नानी आराम कर जिंदा रहोगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइए 13 ग्रुप। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम का कितना है 4, तो बोरॉन का कितना होगा 5, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 5, 5 जमा 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 13, 13 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 31, 31 जमा 18 हमारे पास आएगा 49, 49 जमा हमारे पास 32 ये आ जाएगा 81, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, बाल बाल यानी बी ब्रॉन को और एल्युमिनियम को मैं एक साथ मिलाकर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाल गंगाधर इंदिरा तिलत, बाल गंगाधर इंदिरा तिलत, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्बन ये 5 है, इसका क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। 6 जमा 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 14, 14 जमा 18 हमारे पास आएगा 32, 32 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 50, 50 जमा 32 हमारे पास आएगा 82। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, कहे सेव जी सुने पार्वती, कहे सेव जी सुने पार्वती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन, इसका यानी एटॉमिक नंबर है 7, ये हमारे पास 14 आ जाएगा, ये 15 ग्रुप है, ठीक है। अब 7 जमा 8 हमारे पास कितना आ जाएगा 15, 15 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 33, 33 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 51, 51 जमा 32 हमारे पास आएगा 83। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 16 ग्रुप, इसका एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का 8, ठीक है। 8 जमा 8 कितना हो जाएगा 16, 16 जमा 16 जमा 18 हमारे पास आएगा 34, 34 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 52, 52 जमा 32 हमारे पास आ जाएगा 84। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, ओ सांवली सी तेरी पूनम, ओ सांवली सी तेरी पूनम, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 17 ग्रुप। अब हम इसको इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 9, ठीक है। 9 जमा 8, 9 जमा 8 कितना आ जाएगा हमारे पास 17, 17 जमा 17 जमा 18 हमारे पास आएगा 35, 35 जमा 18 हमारे पास आएगा 53, 53 जमा 32 हमारे पास आ जाएगा 85। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, फिर कल बाहर आई एटम, फिर कल बाहर आई एटम, ठीक है। और इसके बाद अब हम देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, अब हम देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ठीक है, इनको देखते हैं। तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19 है, और कैल्शियम का कितना है 20 है, इसका क्या होगा 21। अब 21 जमा 18 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 39, 39 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 57, 57 जमा 32 हमारे पास आ गया 89। अब देख लेते हैं हम इनको पर याद कैसे करेंगे, सेंस टेंस
टीचर वेरी क्यूरियल मांगे फीस कॉपी नीड कॉपर जिंक. साइंस टीचर वेरी क्यूरियल मांगे फीस कॉपी नीड कॉपर जिंक. उसके बाद नेक्स्ट है यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े आगे कदम बढ़ा. यारी जरा क्या यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े आगे कदम बढ़ा. ठीक है. उसके बाद है ये इसका हफ्ता हफ्ता वरना हफ्ता. ठीक है. अब इसको ला हफ्ता. ठीक है. ला हफ्ता वरना रिहान उसामा इरफान पलटेगा और हंसेगा. पलटेगा और हंसेगा. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं यानी सेकंड का देखते हैं. ए 21 है इसका. इसका कितना आ जाएगा 22. अब 22 जमा 18 हमारे पास कितना आ जाएगा 40. अब 40 जमा 18 हमारे पास क्या आ जाएगा 72. 72 जमा 32 हमारे पास आ जाएगा 104. ठीक है. अब उसके आगे देखते हैं 20 इसका क्या होगा 23 आएगा. 23 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 41. 41 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 73. 73 जमा 32 हमारे पास आएगा 105. ठीक है. ये 104 है, ये 105 आएगा. और नेक्स्ट में है 24. इसका एटॉमिक नंबर क्या है 24 का यानी एटॉमिक नंबर नेक्स्ट का क्या होगा यानी 24 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 42. 42 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 74 जमा 32 हमारे पास आ जाएगा 106. ठीक है. अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 5. ठीक है. 25 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 43 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 75 जमा 30 जमा 32 हमारे पास आ जाएगा 107. और इसके आगे 26. ठीक है. 26 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 44 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 76 जमा 32 हमारे पास आएगा 108. ठीक है. और उसके बाद है 20 को बाट का यानी क्या है 27 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 45 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 77 जमा 32 109. अब निकल के क्या आएगा 28 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 46 जमा 18 ये हमारे पास आ जाएगा 78 जमा 32 ये हमारे पास आएगा 110. ठीक है. अब कापर का क्या आएगा 20 इसका एटॉमिक नंबर क्या है 27. ठीक है. 27 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा 47. ठीक है. 47 जमा 18 हमारे पास आएगा 89. क्या आएगा 89. ठीक है. और उसके बाद है 89 जमा 32 हमारे पास आ जाएगा 111. ठीक है. अब जिंक का क्या है 28. अब 28 जमा 18 हमारे पास आ जाएगा कितना 48. ठीक है. 48 जमा 18 ये हमारे पास आ जाएगा 80 जमा 32 ये हमारे पास आ जाएगा 112. और जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई आप इन ट्रिक्स की मदद से आप पीरियाडिक टेबल याद कर सकते हैं. थैंक यू. और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी दे दें और शेयर भी कर दें. थैंक यू.